हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप संगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ नया दिखाने वाला हूँ। सो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी खास है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप बिना कुछ एप्लीकेशन के मदद से ही कुछ चीज़ कैसे हाइड कर सकेंगे, जैसे कि फाइल या फिर कुछ फोटोज वगैरह। मैं अभी तो खुद भी देखा नहीं हूँ, लेकिन वो सेटिंग हमारा मोबाइल पर ही है। सो आपको क्या करना है, आपका मोबाइल को लेना है और आपका मोबाइल पर जो ये जो फाइल वाला ये जो फाइल है इसको ऑन करना है। जैसे आप इसे ऑन करेंगे, आप सीधा इसमें इस तरह ऑप्शन आएंगे। आपको क्या करना है, नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा आपको, सेव फोल्डर। आपको क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, सेट ए पिन, मतलब आपको एक पासवर्ड रखना पड़ेगा 7 डिजिट का। सो इस तरह आपको कोई भी पिन भरना है, नेक्स्ट करना है, उसके बाद आपको कंफर्म पिन भरना है। सो अभी देखिए यहाँ पर क्या आया है, रिमेम्बर योर पिन, सेव फोल्डर कैन नॉट बी ओपन अगेन इफ़ यू फॉरगेट द पिन। अगर आप ये पिन भूल जाते हैं तो ये कभी खोलेगा नहीं। यहाँ पर वो ऑप्शन दिया है, सो आपको गॉट इट करना है, मतलब भूलना नहीं है। अभी हम एक फाइल को इसमें डालेंगे, मान लीजिए डॉक्यूमेंट का। सो इसे हमको फाइल वो जो सेव फोल्डर है उसमें डालना है। क्या करना है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो 3 लाइन है इसमें क्लिक करना है और यहाँ पर दिखे मूव टू सेव फोल्डर, सो आपको इसमें जाना है और पिन देना है आपको। सो कन्वर्ट हो रहा है, मान लीजिए यही ऑप्शन, इसको भी मैं वहाँ पर भेज सकता हूँ। मुझे सिलेक्ट करना है ये जो 3 लाइन है इसमें जाना है, मूव टू सेव फोल्डर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हो गया, वो भी यहाँ से हट गया। आप देखते हैं कि वो उस जगह पे होता है या नहीं। अभी मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ। आपको जाना है फाइल्स पे, फिर यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेव फोल्डर, इसमें जाना है। आपको पिन देके उसे ओपन करना है, उसके बाद आपने जो यहाँ पर छुपाया है वो इस जगह पर आपको दिखेगा फोल्डर में। तो फ्रेंड्स, सेव फोल्डर में रखने के बाद आप उसमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट जो फाइल है वो रख सकते हैं। इसी तरह आपका मोबाइल में कोई एप्लीकेशन भी नहीं रहा और सेव फाइल में भी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दिखाना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।